को एक साल बीत गया। मरियम मुख्तियार ने लड़ाका तैयारों को उड़ाने की तरबियती परवाज के दौरान जामे शहादत नोश किया, जिसकी तफसील बता रहे हैं कराची से आफताब खान। अर्ज़े पाक के लिए कुछ कर दिखाने का अज़्म कौम की बहादुर बेटी मरियम के खमीर में पहले दिन से ही शामिल था। इसीलिए एनडी यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम मरियम ने अपने वालिद कर्नल मुख्तियार के नक्शे कदम पर चलते हुए अफवाज पाकिस्तान में शमूलियत को तरजीह दी। 18 मई 1992 को कराची में पैदा होने वाली मरियम ने इब्तदाई तालीम मलीर कैंट के स्कूल और कॉलेज से हासिल की। मई 2011 को पाक फजाइये के 132वें जीडी पायलट कोर्स में शमूलियत इख्तियार की। 14 मई 2014 का दिन मरियम की जिंदगी का इंतहाई नाकाबिल फरामोश दिन था, जब वो पीएफ रिसालपुर के परेड स्क्वायर में खड़ी थी। वेरी हम्बल एंड वेरी प्रोफेशनल वुमन, ना सिर्फ हमारी पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक मिसाल है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। पीएफ रिसालपुर से मरियम को फाइटर कन्वर्जन के लिए एमएम आलम एयरबेस भेजा गया, जहाँ मरियम ने लड़ाका तैयारों की ट्रेनिंग शुरू की। पिछले साल 24 नवंबर की सुबह मरियम अपने इंस्ट्रक्टर के हमरा तरबेती परवाज पर थी कि दौरान परवाज लड़ाका जहाज में फनी खराबी पैदा हुई। नीचे आबादी को तो बड़े नुकसान से बचा लिया, मगर अपनी जान अर्ज़े पाक पर कुर्बान कर दी। आफताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जापान में भी मौसम